हेलो, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज सबसे पहले मैं आपको ईसीजी की बेसिक के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर लें, ठीक है। ये सबसे पहला लेक्चर है जिसके अंदर बेसिक के अंदर बताऊंगा मैं आपको कि ईसीजी के अंदर होता है, कैसे रीड करते हैं उसको। ईसीजी में सबसे पहले इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफी, ठीक है। अब इनके हम सबसे पहले जो चीज़ें हम देखनी पड़ती हैं हमें, वो देख लेते हैं कैसे काउंट करते हैं। सबसे पहले हम रेट देखते हैं, जो रेगुलर के अंदर, रेगुलर रिदम के अंदर रेट डिफरेंट तरीके से मेजर होता है और रेगुलर के अंदर डिफरेंट तरीके से होता है, ठीक है। अब ये मैंने ईसीजी की दिखाई है, पी वेव क्यू आर एस पूरी मैंने ईसीजी आपको दिखाई है। अगर आर आर इक्वल डिस्टेंस से होगा तो इसको कहते हैं रेगुलर रिदम, ठीक है। अगर आर आर इरेगुलर मतलब बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस नहीं होगा तो उसको कहेंगे इरेगुलर रिदम। अब जो रेगुलर रिदम होता है उसमें होता है कि जितने आर आर के दरमियान नंबर ऑफ़ लार्ज बॉक्सेस आ रहे हैं उसको, नंबर ऑफ़ लार्ज बॉक्सेस उसको हम डिवाइड कर देंगे 300 पे, ठीक है। अब इसमें फॉर एग्जांपल 3 नंबर ऑफ़ लार्ज बॉक्सेस आ रहे हैं, उसको 3 को 300 पे डिवाइड करेंगे तो रेट कितना आ जाएगा, 100, ठीक है। हम देन इसका दूसरा फार्मूला होता है, वो ये होता है कि नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस बिटवीन आर एन आर आर इंटरवल डिवाइडेड बाई 300, ठीक है। अब एक लार्ज बॉक्स के अंदर 5 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस 3 लार्ज बॉक्स से 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 300 इसके नीचे आ जाएगा, 1500 सॉरी, इसमें कांस्टेंट 1500 होता है, उसमें 300 होता है। अब 15 डिवाइडेड बाय 1500 ये कितना आ जाएगा, 100 रेट आ जाएगा, ठीक है। ये इसका रेट रेगुलर रिदम के अंदर मेजर करने का तरीका है, ठीक है। उसके बाद जो इरेगुलर रिदम होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो जहाँ से ईसीजी स्टार्ट हो रही होती है वहाँ से हम 20 लार्ज बॉक्स काउंट करते हैं, काउंट 20 लार्ज बॉक्सेस, और उसके दरमियान में 20 लार्ज बॉक्सेस के दरमियान में जितने आर आर आएंगे उसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल जहाँ से इसी स्टार्ट हुई है और हमने 20 बॉक्स काउंट कर लिए हैं वहाँ से, ठीक है, उसके दरमियान में आर आर आ रहे हैं तकरीबन 10, ठीक है, 10 आर आर इंटरवल आ रहे हैं, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, 10 एक कांस्टेंट है तो इसका रेट कितना आ जाएगा, 100। मतलब दो ये तरीके हैं, इरेगुलर रिदम के अंदर आपने ऐसे काउंट करना है और रेगुलर रिदम के अंदर आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ लार्ज बॉक्सेस है उसको 300 डिवाइड कर देंगे वो रेट आ जाएगा, अगर आप स्मॉल बॉक्सेस से करना चाहते हैं तो आप 1500 पे वो कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद रिदम मैंने आपको बता दिया, एक्सिस होता है राइट एक्सिस या लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, वो कैसे देखते हैं, 1 या 3 लीड में देख सकते हैं या 1 या AVF लीड में देख सकते हैं। अब इसमें नॉर्मल जो होता है उसमें दोनों अपवर्ड होती हैं, मतलब आर आर जो इंटरवल है वो ऊपर अपवर्ड है नॉर्मल तरीके से है। जो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होता है एक आर ऊपर की तरफ होता है, अगर हम 1 लीड के अंदर देखें या 3 के अंदर देखें या 1 या AVF के अंदर देख सकते हो, वो हमारी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। 1 के अंदर आर और ऊपर की तरफ है तो ऊपर और 3 में नीचे की तरफ है। अब हम देख रहे हैं कि हम अवे जा रहे हैं, जो हम एरो के निशान है वो अवे जा रहे हैं तो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है। अब इसमें एक आर आर नीचे की तरफ है, एक ये ऊपर की तरफ है, मतलब एक दूसरे के रीच कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, तो ये है राइट एक्सिस डेविएशन, ठीक है। बाकी जो है ईसीजी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।